हे गाइस, मैं नमी शाकिब और आप देख रहे हैं techube.com और ये है मेरे पास रियलमी बैंड। रियलमी ने जस्ट अभी पहला पहला फिटनेस बैंड लॉन्च किया है इंडिया में और इनका ये पहला प्रोडक्ट है जो कि फिटनेस से रिलेटेड है, जो कि वेयरेबल है और ये एक रिटेल यूनिट है। कुछ इस प्रकार का आपको बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीछे में जो प्राइसिंग मेंशन की गई है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर 3000 प्राइसिंग मेंशन की गई है जिसकी प्राइसिंग आपको 1500 रुपये है और इसके आपको पीछे में कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए, जैसे कि आपको लार्ज कलर डिस्प्ले, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर है जो कि आपको इस प्राइस में सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है। आपको यहाँ पे केबल फ्री चार्जिंग है, ऐप नोटिफिकेशन है, स्पोर्ट डिटेक्शन है और वाटरप्रूफ भी है ये, क्योंकि बॉक्स काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर यूनिट मैंने मंगवाया है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। मैंने मतलब पहले तो खोल रखा, बस आपके लिए एक अनबॉक्सिंग कर देते हैं। आपके लिए छोटी सी अनबॉक्सिंग है ये। सो ये फर्स्ट लुक रियलमी बैंड का, इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस, बैंड आपको पहले इंप्रेशन में तो काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, अराउंड 20 ग्राम्स का है ओनली। आपको हल्का सा यहाँ पे आपको सर्कुलर शेप मिलता है और इसकी जो ये वाला क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है और जो स्ट्रैप क्वालिटी है, ऑलमोस्ट गाइस जितने भी आपको स्ट्रैप्स मिलते हैं अच्छे ब्रांड्स वाले उसके तरह आपको लग रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 1500 रुपये के हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन में। और आपको यहाँ पे बकल वाला लॉक मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। मी बैंड 4 और मी बैंड 3 में आपको जो ऐसे वाला जो लॉक सिस्टम मिलता है ना, ये आपको खुल खुल जाता है और यहाँ से आपको कैप्सूल भी निकल जाता है, लेकिन मेरा मी बैंड 4 अभी तक जिंदा है तो अच्छी बात है। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। और गाइस आगे देख लेते हैं बॉक्स में क्या मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे सिंपल एक यूज़र मैनुअल है और कुछ नहीं। इसमें आपको वारंटी कार्ड भी है और आपको रियलमी बैंड पे 6 महीने की वारंटी मिल जाती है, जिसको आप क्लेम कर सकते हो रियलमी से और अमेज़ॉन से। सो एक अच्छी बात है, 6 महीने की आपको वारंटी मिल जाएगा। अगर बात करते हैं गाइस इस बैंड की आपको क्वालिटी की, सो इसको एक बार पहन लेता हूँ फिर आपको हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपको मिलती है यहाँ पे और मेरा जो हाथ है गाइस थोड़ा सा स्किनी हूँ मैं, हल्का सा पतला हूँ, तो इसके हिसाब से जो फिटिंग है ये मेरे को काफ़ी अच्छी है। मैं हल्का सा और ऊपर बढ़ा सकता हूँ लेकिन गाइस हल्का सा ढीला रखना सही रहता है मेरे को लगता है ऐसा। और रियलमी बैंड आपको 3 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रीन एंड येलो, और जिसका ब्लैक एंड ग्रीन कलर वो बहुत ज़्यादा सॉलिड कलर है। सो अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले 0.96 इंच का एक ठीक ठाक सा डिस्प्ले मिल जाता है और जो आपको यहाँ पर TFT पैनल है और जो पंची कलर से बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो आप लोग, यहाँ पर आपको इंडोर में इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी, इंडोर में आराम से दिख जाता है ऑफिस के अंदर, लेकिन भाई ये बाहर जैसे निकलोगे बेयरली दिखेगा, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करके इसे हाथ वाथ लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपको हल्का सा कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पर मी बैंड 4 की, तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस यहाँ पे, मतलब कि यार कोई डिफरेंस, कोई कंपैरिजन ही नहीं है मी बैंड 4 से यहाँ पे। तो गाइस मी बैंड 4 के डिस्प्ले आपको एमोलेड डिस्प्ले है और यहाँ पे फुल टच स्क्रीन है, लेकिन आपको यहाँ पे रियलमी में वन टच स्क्रीन मिलता है, वन टच से आप सारा काम करोगे, लेकिन 1500 रुपये के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और गाइस जब आप बॉक्स निकालोगे तो आपको इस स्ट्रैप को चार्ज करना पड़ेगा और चार्जिंग सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा आसान है, ऊपर की तरफ से आपको यहाँ से ऐसे करके निकालना पड़ेगा ये, और ये हो जाता है चार्ज यहाँ से पावर बैंक से, या फिर आप डायरेक्ट किसी भी अडेप्टर में लगा सकते हो। तो पावर बैंक में आपको लगाने के बाद ये ऑन हो जाएगा और ऑन करने के बाद आपको अपने मोबाइल खोलना है और आपको डाउनलोड करना है रियलमी लिंक ऐप। रियलमी लिंक ऐप आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में अवेलेबल है, मैंने आपको डाउनलोड कर रखा है, तो आपको यहाँ पे मेरा रियलमी लिंक ऐप है और इसको जो कनेक्ट करना है ना बहुत ज़्यादा आसान रियलमी लिंक ऐप से। आप देख सकते हो कि मेरा आपको यहाँ पे रियलमी बर्ड्स भी कनेक्टेड था इसमें। सबसे पहले आपको यहाँ पे रियलमी अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, मैंने लॉगिन कर रखा था। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल स्टेप्स में ऐड करके बैंड ऐड हो जाएगा और मेरा यहाँ पे बैंड ऐड एडेड है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका इंटरफेस। अगर आपको कुछ भी करना है गाइस तो रियलमी लिंक ऐप को आपको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिख जाएगा, स्टेप्स कितना चला है, मैं आज का मतलब कि 1 बज रहा है रात का, तो 1 घंटे के अंदर का इसने देखा, मैं अभी तक सोया हुआ नहीं हूँ। हार्ट रेट इसका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, मैं करके दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा मैंने टेस्टिंग की है इधर उधर से चेक करके, मेरे को इसका हार्ट रेट सेंसर भाई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लगा है। इवन कि जो इसका स्टेप है भाई, ये मी बैंड 4 के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा। रियलमी बैंड का आपको स्टेप ट्रैकिंग है, मैंने आपको चेक किया है वैसे गिन गिन के, तो मैं आराम से 100 स्टेप चला और इसमें 98 आ रहा था और आपको यहाँ पे इसमें आ रहा था 92 या 93 आ रहा, थोड़ा सा कम दिखा रहा था, तो भाई इसका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। बाकी आपको यहाँ पे जो सेटिंग के अंदर इसका सारा का सारा फंक्शन दिखा देता हूँ एक बार आपको। सबसे पहले बात गाइस वॉच फेसेस, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वॉच फेसेस मिले हैं और आपको यहाँ पे रियलमी ने ऐसा क्लेम किया कि एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएंगे। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं चेंज करता हूँ तो आप देखोगे चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपको चेंज हो गया, बड़ा आसानी से काम करता है।
और जो इसका सीमलेस एक्सपीरियंस है ना, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको यहाँ पे अगर बताएं तो आपको यहाँ पे अलार्म का भी ऑप्शन मिलता है, मैसेज नोटिफिकेशन का। सो गाइस नोटिफिकेशन आपको सब चीज़ मिलता है, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम नहीं है नोटिफिकेशन में, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात लगी। मतलब कि रियलमी को इंस्टाग्राम ऐड करना चाहिए यहाँ पे। और सबसे अच्छा फंक्शन लगा मेरे को यहाँ पे ड्रिंक रिमाइंडर का, जिसको मैंने 1.5 घंटे के लिए ऑन किया हुआ था, ये ऑटोमेटिकली 1.5 घंटे पे था। इसको 1 घंटा गर्मी में कर लेंगे, अभी सर्दी में हल्का सा 1.5 घंटा रखते हैं, और आप आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हो पूरा। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को वाटर रिमाइंडर इसका। और आपको यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर जो है उसको आपको ऑटोमेटिकली भी रख सकते हो। अगर आप ऑटोमेटिकली रखोगे तो आपको यहाँ पे 6 दिन चलेगी बैटरी इसकी टोटल, और अगर आपको मैनुअली रखोगे तो आपको 9 दिन चल जाएगी। तो मैं आपको ऑटोमेटिकली रख रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो इसके हिसाब से। और जिसका DND मोड भी है इसमें, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है। और आपको यहाँ पे सिलेक्टिव फीचर्स मिले हैं, 9 एक्टिविटीज़ हैं टोटल यहाँ पे आपको। और रियलमी ने ऐसा बोला है कि इसके आपको इंटरफेस को क्लीन रखने के लिए, मतलब कि ज़्यादा लंबा ना चलना पड़े। बेसिकली होता है कि जो वन टच वाले स्मार्ट बैंड होते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन आने में आपको बहुत ज़्यादा टैप करना पड़ता है, इसीलिए रियलमी ने आपको 3 स्पोर्ट्स मोड बैंड में रखा है, बाकी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि मेरे को एक अच्छा मूव लगा गाइस। क्योंकि होता है क्या कि आप मैक्सिमम 3-4 ही मोड यूज़ करते हो स्पोर्ट मोड का, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्रिकेट मोड जो है ना, वो कोई ऐसा कमाल नहीं है, मतलब क्रिकेट खेलोगे आप तो कैलरी कितना बर्न हुआ वही दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपने कितनी बार बल्ला घुमाया या कितनी बार बॉल फेंका, ये सब कुछ नहीं है, बस एक टाइम पीरियड के लिए आपने कितना कैलरी बर्न किया वो दिखाएगा, ऐसा कुछ कमाल धासु एक्सपीरियंस नहीं रहेगा आपका, ठीक है। बस एक नाम दे दिया यहाँ पे वो क्रिकेट एंड योगा, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन ऐसा कुछ कमाल नहीं आने वाला है काम। और अगर आपको यहाँ पर रेस टू वेकअप वाला भी ऑप्शन मिला है, इसका मतलब यह कि जैसे आप इसको स्क्रीन ऊपर करोगे वैसे जल जाएगा। तो सबसे कूल फीचर मेरे को लगा ये वाला स्क्रीन रोटेटिंग का, ये किसी भी बैंड ने कभी सोचा ही नहीं था। इसमें होता क्या कि आप इसको ऑन कर दोगे, उसके बाद ये इसका स्क्रीन रोटेट हो जाएगा और आपको ऐसे शो करेगा। तो इसका मतलब ये कि जब भी आप ऑफिस में वर्क करते हो तो ऐसे रख दो अपने बैंड को, या फिर आप सोते वक्त भी अपने टेबल पर रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि मेरे को बड़ा कूल लगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आप ऐसे यूज़ करोगे दिन भर तो आप इसने बैंड को। सो गाइस इसी के साथ इसके सारे के सारे फीचर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग है। जैसे कि आपको यहाँ पे स्टॉप वॉच नहीं है, इसमें टाइमर नहीं है, नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ इनकमिंग कॉल आ जाता है इसमें और आराम से वो वर्क करता है, लेकिन आप यहाँ से कॉल उठा नहीं सकते हो, लेकिन आप कॉल को साइलेंट जरूर कर सकते हो और कॉल को आप रिजेक्ट कर सकते हो। और एक बैंड में आपको जो जो फंक्शंस चाहिए वो सारे फंक्शन आपको इसमें मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जिसके आपको हार्ट रेट सेंसर की, तो एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं अपना हार्ट रेट सेंसर। और गाइस कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है मेज़र करने में, लेकिन गाइस जो मेज़रमेंट होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बात इसका। सो गाइस मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो देखो आपको यहाँ पे 110 111 112 जा रहा है हार्ट रेट, और ये 100% गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। अब बात करते हैं गाइस इसके आपको स्ट्रिप ट्रैकिंग की, देखो आप ट्रैक करूँगा ना मैं इसको हाथ ऐसे हिलाता हूँ तो घोस्ट ट्रैकिंग ये नहीं लेता, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है गाइस। आप 20 है ना अभी, इसने नहीं लिया इस बार, तो गाइस घोस्ट ट्रैकिंग को ये नहीं लेता, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत सारे बैंड्स आपको यहाँ पे घोस्ट ट्रैकिंग को ले लेते हैं। सो गाइस अगर हम बात करें इसके प्रोज की, तो मेरे को इसका जो आपको सारे के सारे फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इसका जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छा है, इसका जो स्ट्रिप ट्रैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें सारे के सारे फीचर्स आपको मिले हैं ऑलमोस्ट। और गाइस जो इसके कॉन्स मेरे को लगे, इसका जो ऊपर डिस्प्ले है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, और जो इसका 6 दिन का स्मॉल सा बैटरी बैकअप है वो थोड़ा ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और गाइस 1500 रुपये के हिसाब से डिसेंट में कहूँगा, 1500 रुपये का अगर बजट है आपका टाइट तो आप इसके साथ जा सकते हो, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2300 रुपये में मी बैंड 4 ले लो, या फिर आपको ऑनर बैंड 5 ले लो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन इसमें आपको स्लिप ट्रैकिंग मिलता है, जो कि आपको ऑनर बैंड 4 में नहीं है, इसमें जो एक्यूरेसी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस प्राइसिंग में। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और गाइस इसका आपको फुल रिव्यू जल्दी आएगा तो सब्सक्राइब करके रखना, आपको मैं जल्दी से 7 दिन के अंदर डाल देता हूँ इसका फुल रिव्यू। 3-4 दिन और ट्राई करता हूँ अच्छे से, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे को सब बताता हूँ अच्छे से इस वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो, बाय।